ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको पुरुषोत्तम मास में तीसरे अध्याय की कथा को सुनाएंगे। तीसरे अध्याय में नैमिषारण्य तीर्थ में बैठे हुए 88,000 ऋषि गणों ने जब श्री सूत जी से प्रश्न किया, तब उनको समझाते हुए श्री सूत जी कहते हैं और ऋषिगण कहते हैं कि ऋषिगणों ने कहा, हे महात्मन, हे नर के मित्र नारायण, देवर्षि नारद से जो शुभ धर्म वचन बोले वह सब आप विस्तार से हमें सुनाइए। ऋषिगण कहते हैं कि हे महात्मने, हे महात्मा जी, जो भी श्री नारायण भगवान ने देवर्षि नारद को पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाई वह हम विस्तार से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे द्विज, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से जो प्रिय धर्म वचन कहे वह सब मैंने जिस रूप में सुने वही मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि, सर्वप्रथम में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ महाराज युधिष्ठिर को एक समय कहा था वह सुनो। एक समय धर्मात्मा अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु नहीं होता, महाराज युधिष्ठिर से कपट प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों ने जुए में सर्वस्व ले लिया तथा सबके सामने अग्नि से जो प्रकट हुई द्रौपदी जो धर्मप्रायणा हैं, धर्म का पालन करने वाली हैं और पतिव्रता हैं, उनके बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद जब द्रौपदी के वस्त्र खींचकर उसे निर्वस्त्र करने लगा तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और उनकी पुकार सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी माता की रक्षा की। फिर धृतराष्ट्र ने अत्यधिक भयभीत होकर पांडवों का राज्य वापस दे दिया, परंतु दुर्योधन शकुनी आदि को ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर से उन्होंने जुआ खेलने के लिए पांडवों को बुलाया, फिर कपट करके पांडवों को छल करके उन्होंने हरा दिया और फिर ये शर्त लगी हुई थी कि अब जो जुए में हारेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से पांडव फिर जुए में हार गए, तब उनको वन में जाना पड़ा। वन में पांडव बहुत इधर उधर वनों में घूमते हुए वे एक समय काम्यक वन में जा पहुँचे। वहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों के साथ एक समय भगवान श्री कृष्ण उनका हाल समाचार जानने के लिए आए। जब श्री कृष्ण भगवान ऋषि मुनियों के साथ उस वन में आए तो पांडव तो ऐसे हर्षित हुए कि जैसे कोई मरणासन्न आदमी के प्राण फिर से लौट आए हों। उन्होंने उठकर भगवान को देखा और बड़े प्रसन्न होकर आनंद विभोर हो गए। सब ने श्री कृष्ण को गले लगाकर बहुत प्रेम से मिले। वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हुए
बड़े प्रसन्न हुए। माता द्रौपदी ने भी उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब अति दुखी पांडवों को देखकर और मृग चर्म पहने हुए, धूल से भरे हुए उनके कपड़े और रुद्राक्ष की माला, बिखरे हुए बाल देखकर तथा द्रौपदी को बहुत ही दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक दुखी हुए। भक्तों का दुख दूर करने वाले श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र के पुत्रों पर घोर अत्यधिक क्रोध आया। वे उन्हें भस्म कर देने के लिए कुपित हो गए। तब विश्वात्मा जगतपति क्रोधित श्री कृष्ण भगवान कोटि काल तुल्य कराल मुखधारी प्रलयाग्नि के समान धधकते हुए अधरों को दांत से दबाकर तीनों लोकों को भस्म करने के तुल्य ऐसे ही क्रोधित हो गए जैसे कि श्री राम दुष्ट रावण पर क्रोधित होकर उसे नष्ट करने के लिए उद्धत हो गए थे। तब भगवान ने क्रोधित रुद्र रूप को देखकर अर्जुन आदि सभी पांडव अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान की बड़े प्रेम से स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान को पांडव लोग कहने लगे, हे विश्वेश्वर, आप विश्व की रक्षा करने वाले हैं, आप हमारी भी रक्षा करें। जिनकी एक ही वक्र दृष्टि से ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, उनकी कोप दृष्टि से भयंकर परिणाम की पूर्ण कल्पना भी संभव नहीं है। कोई नहीं समझ सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। हे संहारक, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। हे विश्वपति विश्वेश्वर, आपके क्रोध से प्रलय हो सकती है। पूर्ण तत्व ज्ञानी विश्व के कार्य कारण योग वेदों के पुराणों के सार तत्व भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। अर्जुन बोले, आप परमेश्वर हैं, इस चराचर जगत को नियंत्रण करने वाले हैं, आप सर्व मंगल मांगल्य हैं, सनातन के भी आदि पुरुष हैं। अतएव हे प्रभु, इस दुष्टों के लिए आप क्रोध मत कीजिए। भगवान की इस प्रकार से स्तुति कर अर्जुन आदि चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उनकी स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उनका क्रोध जाता रहा। फिर पांडवों ने अपनी श्रद्धा और प्रेम से उनको कंदमूल आदि का फलों का भोग लगाया। भगवान नारायण ने कहा, शरणागत भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न एवं प्रेम से भरा हुआ जानकर विनम्र होकर अर्जुन ने बारंबार उनको प्रणाम किया तथा उन सबों ने यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण किया था, जो आपने मुझसे किया। भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन के प्रश्न को सुनकर मौन रहकर व्रत धारण की हुई द्रौपदी तथा अपने आत्मीजन पांडवों को आश्वस्त करते हुए वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वक्ता के समान प्रिय वाणी में बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अपने मित्र और भक्त होने के कारण पुरुषोत्तम मास की कथा बताऊंगा। हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर अति उग्र है, इसे क्रमशः श्रवण करो। यह जो चैत्रादि मास घड़ी निमेश आदि सब हैं और जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, नगर ग्राम पर्वत पुरियाँ सभी मूर्तिमंत हैं तथा सत्व गुणवश पूजित हैं। इनमें से कोई भी ऐसा शक्तिशाली एवं अपूर्व नहीं है जिनको कोई न कोई स्वामी नहीं है। सबके अधिष्ठाता देवता हैं तथा सभी
अपने अपने अधिकार में पूजित होकर फलदायी हैं, यानी फल देने वाले हैं। सभी अपने इष्ट अर्थात अधिष्ठाता देवता की शक्ति से ही शक्तिमान हैं। हे पांडु पुत्र, एक समय अधिक मास उत्पन्न हुआ, तब उस असहाय उपेक्षित अधिक मास को देखकर सबने कहा, सूर्य की संक्रांति से रहित यह अधिक मास पूजनीय नहीं है। यह मास मल रूप होने के कारण स्पर्श करने योग्य नहीं है, तथा इस मास में कोई शुभ कर्म भी नहीं किए जाते, और लोगों के ऐसे वचन सुनकर दुखी कांतिहीन अधिक मास अत्यधिक दुखी हो गया। खिन्न हृदय चिंता से मग्न अधिक मास व्यथित होकर मरणासन दशा में आ गया। पुनः धैर्य धारण कर वह मेरी शरण में आया। हे नरश्रेष्ठ, वैकुंठ लोक में यह अधिक मास मेरे निवास स्थान पर आया तथा मुझ परम पुरुषोत्तम को देखा। बहुमूल्य रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर मुझे विराजमान देखकर इसने मुझे दंडवत प्रणाम किया। करवद्ध दीन मुद्रा में आंसू बहाते हुए धैर्य पूर्वक गदगद वाणी में इसने कहा, सूत जी बोले। इतना कहकर भगवान बद्रीनाथ मौन हो गए। तब नारायण के मुख से इतनी कथा सुनकर भक्त वत्सल नारद जी ने पुनः कहा, देवर्षि नारद ने कहा, इस प्रकार पूर्ण कला चंद्र भगवान विष्णु के दिव्य लोक में आकर भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले समस्त पापों का नाश करने वाले योगी दुर्लभ विश्व को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप भगवान मुकुंद के चरणों में आया शरणागत अधिक मास ने क्या कहा। इति श्री बृहद नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मन्ये तृतीय अध्याय समाप्त। भक्तजनों, आज हमने तृतीय अध्याय का पाठ सुना, कथा सुनी, और हम कल आपको चौथे अध्याय की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप सब हमेशा सुखी रहना। ओम श्री परमात्मने नमः।